हाय एवरीवन, आई एम यूसुफ, होस्ट ऑफ प्रोएक्टिव इन्वेस्टर। मेरी इस चैनल का पर्पस आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, हाउ यू कैन टेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। सो आज की मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या हमें डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर नॉर वर्किंग इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज जस्ट अ ओपिनियन चैनल। इससे पहले कि मैं अपने आज के इस मेन टॉपिक पर बात करूं, लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट द डिजिटल करेंसी। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी जिसको हम ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको कोई भी सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट इसकी वैल्यू को मैनेज नहीं करती, बल्कि ये ओवर द इंटरनेट हम इसको ट्रांसफर करते हैं। इसका और जो हमारी कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रांसफर है, जो हम डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कोई भी अमाउंट बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो बैंक आपसे ट्रांसफर चार्जेस चार्ज करता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में कोई ट्रांसफर फी नहीं है। सेकंड डिफरेंस, बैंक में आप ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे एक लिमिटेशन है आपकी अमाउंट ट्रांसफर करने की, डिजिटल करेंसी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड थर्डली, डिजिटल करेंसी इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू अदर बैंक ट्रांसफर्स। सो ये हो गए हमारे तीन मेजर डिफरेंस। दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 50 डिजिटल करेंसीज अभी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनमें जो टॉप 5 हैं वो हैं बिटकॉइन, बिटकैश, रिपल, लिटकॉइन एंड इथेरियम। सो लेट्स टॉक अबाउट डू वी इन्वेस्ट इन अ डिजिटल करेंसी और नॉट। याहू फाइनेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी न्यूज को देखूं तो एक कंपनी DIG, जिन्होंने तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स रेज किए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन 200 डॉलर्स को इन्वेस्ट करने में जो कि कंपनी शामिल थी वो थी स्टोनब्रिज होल्डिंग ग्रुप्स, मॉर्गेज स्टेनले, न्यूयॉर्क लाइफ, मैस म्यूचुअल, सोर्स फंड मैनेजमेंट एंड FS इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमें किन बेसिस पर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं दो लोगों की नरेशन से स्टार्ट करता हूँ, राहुल पोल और माइकल सेलर्स। राहुल पोल जो कि एक्स मैनेजर हैं हेज फंड्स के, ये करंटली रियल वर्जन्स की कंपनी को रन करते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिस्ट हैं। इन्हें इनके तमाम एसोसिएट्स के साथ एक टास्क साइन किया गया है कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट का 2-3% बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बिटकॉइन में 2-3% इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है 200-300 मिलियन डॉलर्स। अगर इतनी बड़ी अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे सो उससे बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर जाएगा। और अगर मैं बात करूं माइकल सेलर्स की, जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का तमाम पोर्शन और इसके अलावा कंपनी के स्टॉक्स को डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया और ओवर द नाइट 3 times उसको इंक्रीज किया। माइकल सेलर्स के अकॉर्डिंगली जो डिजिटल करेंसी है, इट्स लाइक अ डिजिटल कॉइन विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर ये बात है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप टेक कंपनीज पर बिलीव करते हैं तो उन टेक कंपनी से आप कितना गेन कर सकते हैं, 20% या 30%? लेकिन अगर हम बैक 5 years डिजिटल करेंसी का चार्ट देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि टेक कंपनीज की ग्रोथ में और डिजिटल करेंसी की ग्रोथ में कितना डिफरेंस है। डिजिटल करेंसी 5 साल पहले ऑलमोस्ट $550 का एक बिटकॉइन था, जो कि आज अप्रोक्सीमेटली $50,000 का है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ स्टिल डिजिटल करेंसी हैव अ ह्यूज रूम टू ग्रो, सो दिस इज अ राइट टाइम टू बाय द डिजिटल करेंसी एट अ ह्यूज डिस्काउंट। अब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बिटकॉइन में एक मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पेपॉल की, जो कि एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है USA में,
उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आप पेपॉल के थ्रू डिजिटल करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वेयर, जिसने तकरीबन 4709 बिटकॉइन बाय किए हैं 50 मिलियन डॉलर्स में, सो ये दोनों कंपनीज की ह्यूज कंट्रीब्यूशन से बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा कैथीवुड एआर के इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हम ईवी की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला की बात करें तो उन्होंने अपनी कंपनी का 9% जो कि 1.5 बिलियन डॉलर्स बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ टॉप मिलियनेयर्स की, तो वो देखते हैं कि वो कौन से हैं। टॉप 400 मिलियनेयर्स फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली उसमें नंबर 6 पर जो है वो है जॉर्ज सोर्स, जिनकी करंट वर्थ है 8.6 बिलियन। और इसके अलावा पॉल जॉन्स जो के नंबर 108 पर हैं, और इनकी जो नेट वर्थ है 2020 में वो है 5.8 बिलियन जो के। और थर्ड नंबर पर आते हैं स्टेनले ड्रंक मिलनर जो के नंबर 167 पर आते हैं, और इनकी जो नेट वर्थ है वो है 4.4 बिलियन डॉलर्स। सो व्यूअर्स, इन बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनीज के अलावा कुछ और भी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है। मैस म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो उन्होंने 100 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हैं। और अगर मैं यूएसए के टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करूं तो उसमें एक आता है ब्लैक रॉक, जिन्होंने डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है। जिस तरह मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया कि माइकल सेलर्स जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके बकौल डिजिटल करेंसी इज लाइक अ डिजिटल गोल्ड विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। उनका बिलीव है कि एक टाइम आएगा कि जब ये डिजिटल करेंसी रिप्लेस कर देगी गोल्ड को। और अगर मैं डिजिटल करेंसी की आज के दौर में मार्केट कैप चेक करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि गोल्ड की जो वैल्यू है वो है 10 ट्रिलियन डॉलर। सो लेट्स सी कि हम ये वैल्यू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट जो के मार्केट प्राइस है वो है, डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूं, उसका जो मार्केट प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 50,000 USD। और मार्केट में जो टोटल शेयर्स हैं वो हैं 18.6 मिलियन। सो शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, सो इसका मार्केट कैप निकलता है जो कि 930 बिलियन डॉलर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन डॉलर है। सो किस तरह जब ये डिजिटल करेंसी गोल्ड को रिप्लेस करेगी तो उस टाइम इसकी वैल्यू गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर्स होने चाहिए। तो अगर आज डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन की बात करूं तो वो 50,000 पे है, तो जब ये 500,000 पे जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन डॉलर्स। सो इस तरह अगर देखते हैं कि मार्केट में जो बिटकॉइन है वो तकरीबन अभी 18.6 मिलियन है। सो जिस तरह रोज ब रोज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सो एट द एंड हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा मार्केट में इसकी डिमांड होगी लेकिन सप्लाई कम होगा। जब सप्लाई कम होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। सो एट द एंड अगर हम देखें ब्लूमबर्ग की न्यूज के अकॉर्डिंगली तो बिटकॉइन ने लास्ट 2 वीक्स में अपनी हाइएस्ट प्राइस को अचीव किया था। सो आई वॉन्ट टू कंक्लूड विद दिस वन के जैसे रोज ब रोज बहुत बहुत बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टर्स डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ डिजिटल करेंसी। और आप भी अपनी पोर्टफोलियो का या फिर इन्वेस्टमेंट का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2-3% डिजिटल करेंसी में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप कनाडा में हैं और आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी में आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
तो टॉप राइट पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो के देखें जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि आप कनाडा में मौजूद कौन सा ऐसा ऑफिशियल वेब ब्रोकर अकाउंट है जिसमें अकाउंट ओपन करके अपने फंड्स को ट्रांसफर करेंगे और डिजिटल करेंसी को बाय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। एंड गिव मी अ फेवर टू स्मैश द लाइक बटन, दैट हेल्प्स माई चैनल एंड यूट्यूब एल्गोरिदम टू प्रमोट माई वीडियोस टू अदर्स सो वी कैन मेक मनी टूगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।